अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है ससमिला रमज़ान एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैं आपके साथ पीएचडी और जीएसटी की तैयारी के हवाले से वीडियो शेयर करता हूँ और पीएचडी और जीएसटी की गाइडेंस के हवाले से भी वीडियो शेयर करता हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पीएचडी और जीएसटी में दो बड़ी अपडेट्स जो हुई हैं तो उनका मकसद क्या है, कि उन दो अपडेट्स में आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको ऐड क्या करना है, और क्या ये दोनों अपडेट्स जो हैं वो पीएसटी और जीएसटी के लिए हैं जिन्होंने अप्लाई किया है इसमें, तो क्या उनके लिए ये सेक्शंस फिल करना लाजमी है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको एसटीएस की वेबसाइट की स्क्रीन की तरफ चल के बताऊंगा। जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ पे दो सेक्शन अपडेट हुए हैं, एक सेक्शन अपडेट हुआ है सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा का और दूसरा सेक्शन अपडेट हुआ है एक्सपीरियंस का। तो उन सेक्शंस में वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अपडेट करनी है, क्या ये सेक्शन पीएसटी के लिए है या जेईएसटी की जॉब्स के लिए या फिर किसी और जॉब्स के लिए, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अभी हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, तो उसके बाद अभी हमें क्या करना है, हमें जो है कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके बाद जो है आप एस टी एस वालों की वेबसाइट ओपन करेंगे। एस टी एस वालों की वेबसाइट है apply.sts.net.pk, ये वाली वेबसाइट आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इस वेबसाइट को जो है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप अपनी आईडी जो है वो लॉग इन करेंगे, ठीक है। आप वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद जो है आप अपना ऊपर सीएनआईसी नंबर टाइप करेंगे, नीचे आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखा है, ठीक है। तो आपका अपना जो है सीएनआईसी नंबर और आप जो है पासवर्ड टाइप करके उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपकी आईडी जो है वो लॉगिन हो जाएगी। दोस्तों, अभी हम जो है एसटीएस के अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अभी एसटीएस की वेबसाइट पे दो सेक्शंस अपडेट हुए हैं तो उनका मकसद क्या है, उनमें हमें क्या करना है। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं उनमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये दो जो स्टेटस हैं, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो दो सेक्शंस हैं इनका मतलब क्या है और ये क्यों जो है इन्होंने अपडेट किए हैं, क्या ये पीएसटी और जेईएसटी के लिए हैं या किस लिए है, ठीक है। तो अभी हम माय प्रोफाइल पे आएंगे, ठीक है। आपको पता है कि दो जो आपके सेक्शंस अपडेट हुए हैं माय प्रोफाइल में, लास्ट वाली जगह पे ये दो आपके जो हैं, ये देखें, ये दो वाले सेक्शंस यहाँ पे अपडेट हुए हैं। एक है आपका सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा आर डिप्लोमा, और दूसरा है एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये चीज़ें किस लिए हैं। ये तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमा अपलोड करना है अगर आपकी कोई डिग्री है, और यहाँ पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आपको ऐड करनी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो आपकी एस टी एस की आई डी है ये किस वजह से, क्या ये एस टी एस की आई डी सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ पी एस टी और जी एस टी के लिए या फिर दूसरी जॉब्स के लिए भी है। तो यहाँ पे हम आते हैं एक्टिव प्रोजेक्ट्स के टैब पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें दूसरे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे ऐड हैं, ये देखें आपका अभी जो अभी आपका प्रोजेक्ट है वो अभी चल रहा है सिंध टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टेपटा, और दूसरा जो है आपका ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जकवाबाद। तो दोस्तों, ये जो आपकी प्रोफाइल है ये सिर्फ पीएससी और जेईएससी के लिए नहीं है, लेकिन जो भी सखर आईबीए में, जो भी सिबा में, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट एसटीएस लेगा उसकी जो भी आपकी जॉब्स होंगी तो उसके लिए सारी आपकी प्रोफाइल है। तो काफ़ी सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि आपको ये सेक्शंस जो है वो अपडेट नहीं करने, पीएससी और जेएससी में जिन्होंने अप्लाई किया है उनको ये सेक्शंस अपडेट जो है नहीं करने। तो दोस्तों, ये सारे सेक्शन जो है आप लोगों को अपडेट करने हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल जो है वो जर्नल है, सिर्फ पीएससी और जेएससी के लिए नहीं है, ये आपकी बाकी जो जॉब्स आएंगी उसके लिए भी हैं। तो आपको ये चीज़ें जो हैं आपको अपडेट करनी है, सर्टिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा, जो भी आपकी डिग्री है सर्टिफिकेशन में, आपके आपका जो भी सर्टिफिकेट है, कोई भी टीचिंग का सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी आपकी डिग्री है डिप्लोमा की, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर टेक्निकल एक्सपीरियंस है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल जो है वो जनरल प्रोफाइल है। दूसरी जो भी आपकी जॉब्स आएंगी ये उन सब के लिए है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।